भाई के ससुराल वालों की पिटाई से तनाव में आए व्यक्ति की मौत। यमुनानगर में अपने भाई के ससुराल वालों की पिटाई से तनाव में आए एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। मामला खिजराबाद के भोम्बेपुर का है, जहां कुर्बान अली नाम के व्यक्ति ने अपने भाई के ससुरालियों से इतना तंग हो गया कि तनाव से उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर कुर्बान अली के भाई के ससुराल पक्ष के 9 लोगों पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मेरे ब्रदर थे, मेरे वाइफ के साथ थोड़ा सा अनबन चल रही थी, जिसके कारण वो हमारी कई बार गांव में पंचायत भी लगी है, थाने में भी पंचायत लगी है, बाकी उन्होंने पंचायत का फैसला नहीं माना। 2-3 महीने से लगातार बुलाया जा रहा था, बाकी वो नहीं आए। मेरे ब्रदर काम के लिए जैसे जा रहा था तो उसे रास्ते में से उसे किडनैप किया, उसको मारा पीटा अच्छी तरीके से, फिर उसको अपने यूपी में ले गए। यूपी के बाद उसे मैं जब मेरे को कॉल आई है तो मुझे सिविल हॉस्पिटल में सहारनपुर में मिला था। मैं सहारनपुर से 2 दिन के लिए वहाँ पे इलाज कराया, उसके बाद मैं हरियाणा में लेके आ गया था। 1 महीने से वो घर पे थे, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकले, उसकी बेइज्जती वगैरह हुई या जिसकी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने की, मारपीट होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकले, इसी डिप्रेशन में वो। इस संबंधी SHO देवेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के खिलाफ ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है और 306/34 IPC का फाइल दर्ज किया है, और जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और खानपुर हॉस्पिटल से जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। ये बॉम्बेपुर का रहने वाला है और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसके भाई रिजवान और अगर यूपी में शादी हुई हुई है, और उन्हीं के साथ ही इनके साथ आपस में तनाजा था और उसी तनाजे के कारण ही ये डिप्रेशन में रह रहा है। हाँ, जैसा कि इन्होंने FIR में मेंशन किया है, 9 लोगों ने इसके साथ मारपीट किया है। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी है उसको वार्षण के वाले किया जाएगा और जल्द से जल्द पूरी तवरी पर कार्रवाई की जाएगी।